Please stay to six. Thank you so much. Well, my name is Nishank, Bhatia. I'm a graduate from the University of Delhi. Well, मेरे पास मुझे 2 मिनट मिले हैं. 2 मिनट में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा. बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था, जैसे आप बड़े हो रहे थे, मुझे एक लड़की से मिलना हुआ. उसका नाम सिमरन था. आप जानते हैं उन्हें? जानते हैं? Yes sir. क्या बात है, जानते हैं. तो सिमरन दीदी को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें रोकते बहुत थे, राइट? और उनके पेरेंट्स जब उन्हें रोकते थे तो मुझे लगता था कि ये फाइट क्यों नहीं करती. पिक्चर के एंड तक खत्म होने तक फाइट दी. आपको समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. एंड मुझे रिसर्च के लिए मैंने देखा, उनके पेरेंट्स इन्हें शायद रोकते इसलिए क्योंकि सिमरन जी 18 साल की हो गई और उन्होंने कुछ कर दिखाने का नहीं सोचा. यस सर. और अगर इन्हें सही में अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और यूरोप घूमने जाके राज ढूंढना है, राइट, तो इन्हें कुछ करना होगा. यस सर. असल जिंदगी में ऐसा होता है. पिक्चर में कुछ भी दिखाते हैं. असल जिंदगी में ये मेरा ड्रीम बन गया. जब मैं बड़ा हूं तो ग्लोब आता है ना बचपन में, उसको घुमाओ और जहां मेरी उंगली लगे वहां घूमने चले जाओ, राइट? लेकिन ऐसा मेरी ग्रेजुएशन में जीजीएस में गुरु गोविंद सिंह कॉलेज कॉमर्स वाला कॉलेज, वहां पे किसी टीचर ने ऐसा नहीं बताया. स्कूल में जब टीचर ने उठ के बताओ करना क्या चाहते हो, तब भी उन्होंने ये नहीं पूछा. और मुझे हमेशा से लगता था ये वाली लाइफ, ये वाली जिंदगी मैं कैसे पहुंच सकता हूँ. वेल, मैं बहुत लकी था. 18 साल की उम्र में मैं वो मूवी देख रहा था और मैं सिमरन दीदी से बहुत इंस्पायर था, लेकिन मुझे उनके पेरेंट्स का रोकना टोकना बहुत बुरा लगता था. और मुझे था कि मैं घूमने तो ऐसे ही जरूर जाऊंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे रोकेंगे नहीं. वो पहली बार में बोलेंगे जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी. और मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साथ पढ़ाई करते करते यूनिवर्सिटी ऑफ सरसों में यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स में एडमिशन लेने का. मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया एंड आई गॉट इनटू इट. एंड पहली बार उन्होंने यही लाइन पूछी, ये कोरे कागज पे अपने 5 बड़े सपने लिखे जो आप कॉलेज लाइफ में पूरा करना चाहेंगे, राइट? 2 बात बहुत बड़ी लगी कि सपने लिखो, दूसरा कॉलेज लाइफ में लिखो. आप बात समझ रहे हैं? कॉलेज लाइफ में मार्कशीट में परसेंटेज दिखते हुए डर लगता है. सपने लिखना बहुत दूर की बात थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझे उनसे मिला, वो सोच उनसे मिली और वो सपने मैंने लिखे. मैंने इस कॉन्सेप्ट में अपना मेहनत शुरू करी और जब मैं अपना कॉलेज खत्म कर रहा था तो मैंने अपने बैंक अकाउंट में देखा कि मैं सेल्फ मेड लखपति बन चुका था. मैं 3.5 लाख रुपए इस कॉन्सेप्ट से कमा चुका था. मेरे ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मैं अपनी डिग्री लेके किसी और के पास गया नहीं. मैं अपनी डिग्री में अपने सपनों की वो लिस्ट छुपा के रखता था और मैं देखता था कि यार इसको कैसे पूरा किया जा सकता है. मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, मेरा एक सपना था जो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए मैंने 6 महीने और अपने आप को दिए. और मेरे पिताजी का 50वां जन्मदिन था, वो मैकेनिकल इंजीनियर है और वो कहते थे कि शायद तेरे इस बिजनेस से कुछ नहीं होगा. उस शायद पे उनको मेरे सपनों पे नहीं मुझ पे डाउट था, जैसे सिमरन के फादर को सिमरन पे डाउट था, राइट? कि अगर इसको बाहर भेज दिया तो ये कुछ गलत करे ना. ये सुनो, सिमिलरली मुझे था कि मुझे अपने डैड को प्रूफ करना है. एंड उनका 50th बर्थडे था. पहली बार मैंने उन्हें 700 कॉन्सेप्ट से वाकिफ किया और उन्हें ऐसे ही बहुत बड़े सेमिनार में बुलाया और उनके 50वें जन्मदिन पे अपने पेरेंट्स को स्टेज पे बुला के यही बोला, पापा बाहर 9 लाख की सिडान सियाज खड़ी है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है. बात अभी भी अधूरी रह जाती है क्योंकि सिमरन बनना अभी भी अधूरा था और सिमरन बनना था. मेरा 23वां जन्मदिन आ रहा था. मेरे एक मित्र है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, राइट? उनसे हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते और उन्हें बोला कि ये वाला जन्मदिन दिल्ली में नहीं बना सकते, ये वाला जन्मदिन यहाँ नहीं बना सकते, जो भी आज तक किया वो बेकार हो जाएगा. ये वाला जन्मदिन अपने लिए, फिर दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया हमसे कनेक्टेड है, इंस्पायर तो होती है, राइट? लेकिन पहले अपने लिए ऐसा कुछ जरूर करके दिखाना है, राइट? जिससे अपने आप को बोल सके जो पिक्चर देखी थी, राइट? बचपन में सेट मैच पे आती है, राइट? वो पिक्चर आज सिर्फ उसमें हीरो हीरोइन वो उस पिक्चर में वो होंगे, राइट? लेकिन असल जिंदगी के हीरो भी हम होंगे, हीरोइन भी हम होंगे, क्योंकि अगर लिखा है तो पूरा करना है. और अगर सोचा है तो पिक्चर की रियलिटी जिंदगी में हकीकत बनानी है. मेरा 23वां जन्मदिन था
और मैं अपना बर्थडे दिल्ली में नहीं, मैंने बचपन मेरी मॉम हिंदी की टीचर है, उनसे लड़ाई करके फ्रेंच पढ़ी थी, बस यही सोच के कि कभी फ्रांस आएंगे तो कुछ बोल देंगे, नहीं। वो मौका पूरा हुआ, अपना 23वां जन्मदिन आईफिल टावर के टॉप पे मनाया और पापा को वीडियो कॉल करी, लोग पिछले 3 साल से इसी बात पर मेरे लिए ताली बजा रहे थे, मैं उनके चेहरे देखता था कि सर रोज आके ये ताली सुनाते हो कुछ आपने नई नहीं किया, मैंने कहा मैं उनको देख के बस यही बोलता था मैं भी ढूंढ रहा हूँ कॉलेज लाइफ में करके दिखाऊं, राइट, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा सपना था। मुझे उनके चेहरे से दिखता था कि अब मौका, अब टाइम आ गया है, कि 3 साल हो चुके हैं और सेम बात आप बता रहे हो, आपको कुछ डिफरेंट बताना है। मैंने वही किया, ब्लॉग घुमाया, जहाँ मैं अभी रिसेंटली गया वो मेरा सपना था नहीं, वो मुझे किसी और के थ्रू पता चला था, लेकिन मैंने ग्लोब घुमाया, मेरी उंगली एक कंट्री पे लगी, उसको फिनलैंड कहते हैं। 5 दिन पहले मैं वहाँ पे गया, बड़ी बात ये नहीं है, फिनलैंड जाने के लिए फ्लाइट की टिकट लगती है और आपकी शक्ल अच्छी है तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे जो मैंने देखा उससे मुझे पता चल गया कि मैंने अपनी यंग जिंदगी में कर्म बहुत अच्छे करे हैं। दुनिया में 0.2% लोग नॉर्दर्न लाइट्स का फिनोमेना विटनेस कर पाते हैं। और मैं शुक्रगुजार था कि मैंने 18 साल की उम्र में सपनों की यूनिवर्सिटी सरसों बिजनेस इंटरनेशनल फाइनेंस, मेरी बात और मेरे वक्त की बात यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि आज जहाँ बैठे हैं मैं वादा करता हूँ अगले 1 घंटे जहाँ पे बैठे हैं